हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं ट्रिपल सी क्रैश कोर्स को, ठीक है, जो अगर आप डिप्लोमा कोर्स भी कर रहे हो कंप्यूटर का तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से पढ़ रहे हो तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप कंप्यूटर LT ग्रेड का तैयारी कर रहे हो ना, उसके लिए भी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है लिखा है कि PC यानी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। बता रहा है कि कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, यानी बताया कि यहाँ पे PC पर्सनल कंप्यूटर, इट इज़ ए सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम हैविंग मॉडरेटली पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, जो PC है ना काफ़ी पावरफुल है। और दूसरा लिखा है वर्क स्टेशन क्या है। वर्क स्टेशन इट इज़ ऑल्सो सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम विच इज़ सिमिलर टू पर्सनल कंप्यूटर, ये पर्सनल कंप्यूटर के समान ही होता है बट हैव मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर। यानी वर्क स्टेशन के पास क्या होता है, एक पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर होता है। ओके, अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर। इट इज़ ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी क्या है, ये जो मिनी कंप्यूटर है उसको हम कहते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 100 ऑफ यूजर सिमल्टेनियसली। मतलब क्या, 100 यूजर एक साथ काम कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर पे। ओके, इसके बाद बात करते हैं मेन फ्रेम क्या है। इट इज़ ए मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम विच इज़ अ कैपेबल, यानी उसे योग्य होता है ऑफ सपोर्टिंग 100 ऑफ यूजर सिमल्टेनियसली। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम मिनी कंप्यूटर। मतलब क्या, देखो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर बेसिकली नेटवर्किंग सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है, और नेटवर्किंग के सिस्टम के साथ साथ ये इस पर जो सपोर्ट करता है ज़्यादातर, अच्छा लाइनक्स सपोर्ट करता है, एक OS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, क्योंकि क्वेश्चन पूछा करता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर पे कौन सा OS सबसे बेस्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं हम सुपर कंप्यूटर। इट इज़ एन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर विच कैन एक्सक्यूट 100 ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 100 मिलियंस इंस्ट्रक्शन को ये फॉलो कर सकता है सुपर कंप्यूटर। अगर सुपर कंप्यूटर की हम बात करें तो सुपर कंप्यूटर में आपने सुना होगा परम नाम से एक कंप्यूटर था, ठीक है ना, PARM, ठीक है। इसके बाद दूसरा हम देखेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ के चलो वर्क स्टेशन क्या होता है, ठीक है, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है वर्क स्टेशन इज अ कंप्यूटर यूज फॉर इंजीनियरिंग कॉम्प्लिकेशन। मतलब जो वर्क स्टेशन टाइप के जो कंप्यूटर होते हैं उनका यूज़ हम इंजीनियरिंग क्षेत्र में करते हैं, जैसे CAD और CAM, मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मशीन, यानी जो सॉफ्टवेयर होता है उसके माध्यम से आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग तैयार किया जाता है, ठीक है ना। डेस्कटॉप पब्लिशिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड अदर सच टाइप ऑफ एप्लीकेशन विच रिक्वायर अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर एंड रिलेटिवली हाई क्वालिटी ग्राफिक्स तैयार करना हो तो हम वर्क स्टेशन कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ओके, इसके बाद कुछ और चीज़ जान लो, जैसे क्या, कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर वर्क स्टेशन और यूनिक्स, यानी यूनिक्स मतलब क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड विंडोज़ NT लाइक PC। वर्क स्टेशन आर ऑल्सो सिंगल यूजर कंप्यूटर, यानी क्या, वर्क स्टेशन जो होता है वो सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है, जैसे PC की बात कर रहे हैं हम। ओके ना, और एक और चीज़ जान लो कि ये जो आपस में लिंक होते हैं एक दूसरे से, वो किसे होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब इसका तस्वीर यहाँ देख सकते हो कि ये इसका तस्वीर आपको दिख रहा है, ये वर्क स्टेशन जैसा काम हो रहा है, ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट। तो ये मिनी कंप्यूटर, इट इज़ अ मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग अप टू 250 यूजर एक साथ, मतलब 250 यूजर इस पर काम कर सकते हैं। ओके, आप इसका साइज देख लो, ये है मिनी कंप्यूटर। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे मेन फ्रेम, थोड़ा सा इसको भी समझ लो, थोड़ा थोड़ा समझते चलो अच्छा रहेगा। मेन फ्रेम इज़ ए वेरी लार्ज इन साइज एंड इज एन एक्सपेंसिव, बहुत ही खर्चीला होता है कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 100 यूजर्स, यानी हजारों यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। मेन फ्रेम का एक्सक्यूट मेनी प्रोग्राम करेंटली एंड सपोर्ट मेनी सिमल्टेनियस एक्सक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम को ये परफॉर्म कर सकता है। ये जो कोई पूरा सर्वर रूम होगा, ठीक है ना, मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होंगे आप देख सकते हो यहाँ पर, आपने अपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा, ये पूरा मेन फ्रेम कंप्यूटर लगे हुए हैं, ठीक है ना, ये सब पूरे। ओके, इसके बाद इसको भी समझ लो कि इस जो सुपर कंप्यूटर है वो क्या है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर आर वन ऑफ द सबसे फास्टेस्ट होता है कंप्यूटर करेंटली अवेलेबल, यानी जो वर्तमान में अवेलेबल है सबसे तेज कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर आर वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ही खर्चीला होता है, एंड एम्प्लॉयड फॉर स्पेशलाइज एप्लीकेशन एंड रिक्वायर इमेंस अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, नंबर क्रंचिंग, फॉर एग्जाम्पल वेदर फॉर कास्टिंग साइंटिफिक। मतलब क्या होता है, इसका यूज़ बेसिकली
मैथमेटिकल एरिया में कैलकुलेशन हो, इंजीनियरिंग क्षेत्र में करना हो, या मोशन संबंधी कोई प्रॉब्लम है उसकी जानकारी शेयर करनी हो, एनिमेटेड ग्राफिक्स बनाना हो, ठीक है ना, 3D जैसा बनाना हो, या रिसर्च वगैरह के लिए यूज़ होगा, या कोई मिसाइल वगैरह लॉन्च करना है, ठीक है ना, तो इनके लिए क्या होता है, यूज़ सुपर कंप्यूटर। ओके, आप इसको अच्छे से एक बार देख लो कि ये कैसा है कंप्यूटर, ठीक है, ये है सुपर कंप्यूटर। अब मैं जितना भी चीज़ बता रहा हूँ आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया करो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या चीज़ है, कंप्यूटर के कंपोनेंट बेसिक क्या है, इनपुट लेना, स्टोर डेटा करना, प्रोसेसिंग करना, आउटपुट इन्फॉर्मेशन देना, और कंट्रोल ओवरफ्लो करना। इसको समझ लो, टेक इनपुट क्या है, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। जब हम कंप्यूटर सिस्टम में कोई डेटा इनपुट करते हैं, यानी कीबोर्ड के माध्यम से माउस क्लिक करते हैं तो भी इनपुट होता है, ठीक है। स्टोर डेटा मतलब सेविंग डेटा, या कुछ काम के लिए कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन को दिया हमने, ठीक है, उसको हमने सेव कर दिया जहाँ रिक्वायरमेंट हुआ, तो उसको बोलते हैं स्टोर डेटा। प्रोसेसिंग डेटा मतलब परफॉर्मिंग अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन, आप कोई काम कर रहे हो, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर उसका जब रिजल्ट आ जाता है तो उसको बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग, और वो क्या किस में बन जाएगा, एक इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ और चीज़ समझ लो, थोड़ा थोड़ा समझते चलो। और आउटपुट इन्फॉर्मेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन और रिजल्ट फॉर द यूजर सच एज प्रिंटेड रिपोर्ट, विजुअल डिस्प्ले। मतलब क्या, अगर आप आउटपुट करना चाहते हो, एक और चीज़ ख्याल रखना, जब हम कोई काम कर लेते हैं पीसी में और उसको जब प्रिंट करते हैं प्रिंटर के माध्यम से, तो किस रूप में निकलता है, ठीक है, ये आप बताना। क्वेश्चन समझ में आया, जब हम कंप्यूटर में काम कर लेते हैं सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है, और जब उसको हम प्रिंट करते हैं तो किस रूप में वो प्रिंट होता है, बाहर आता है, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखो, कंट्रोल द ओवरफ्लो मतलब क्या है, डायरेक्ट द मैनर एंड सिक्वेंस इन विच ऑल ऑफ द एबो ऑपरेशन आर परफॉर्म, ठीक है ना, ये सारे परफॉर्म, यानी जितना भी कंट्रोलिंग होता है, ठीक है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर स्लो मतलब एक मोशन में काम कर रहा है, उस सब चीज़ को कंट्रोल करता है। इस फिगर को तो ध्यान से देख लो, समझने के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। यानी यहाँ पे हम इनपुट देते हैं तो यहाँ पे क्या, सीपीयू के तीन पार्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम क्या, MU, और उसको बोलेंगे CU, ठीक है, इसको बोलेंगे ALU। ओके, क्या लगना, यानी जो कंप्यूटर के जो बेसिक पार्ट होते हैं, ये तीन पार्ट होते हैं। अब क्या करेगा, आउटपुट करेगा, ठीक है, यहाँ से इनपुट दिया गया। और यहाँ पे एक और चीज़ समझो, जैसे हमने लिख दिया अल्फ़ाबेट, ठीक है, या हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं या नंबर वन लिखते हैं हमने 2+2, ठीक है, तो इसका जो प्रोसेसिंग होगा क्या होगा, ये कंट्रोल होकर के पहले जाएगा इसके पास, मैथमेटिकल के पास जाएगा, ठीक है। अगर कोई नाम लिखते हैं, मैंने लिख दिया राहुल वगैरह, ठीक है, तो ये यहाँ पे अर्थमेटिक पे नहीं जाएगा, यानी मैथमेटिकल जो परफॉर्म होता है, मैथमेटिकल वाला जो भी काम होगा वो इसके पास जाएगा, अगर अल्फ़ाबेट वाला होगा तो इसके पास नहीं जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो कोई इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देता है यहाँ पर कि कंप्यूटर का जो सीपीयू का जो तीन कंपोनेंट होता है मुख्यतः, वो कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट क्या होता है, MU यानी स्टोरेज यूनिट, जहाँ पे हम स्टोर करते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट जिसे कहते हैं CU, एक होता है ALU का अक्सर पूरा नाम पूछता है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।